नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके जोडियक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 की पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें, एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करने हैं, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज में हम देखेंगे आपके जोडियक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम यू नो सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं हस्बैंड वाइफ उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी, ओवरऑल लाइफ आपके बिजनेस करियर फाइनेंस हेल्थ ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है आप देखते हैं, अपनी राशिफल को आप चेक करते हो, है ना, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है। सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, एंड प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 अगस्त टू 15 अगस्त क्या होंगे डिवाइन, जो नो कॉन्टैक्ट में है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, ये कार्ड आ रहा था। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त जो हम लोग कॉन्टैक्ट में है, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स आ गए, ओके, माय गुडनेस, क्या है ये? आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 16, 3, 15, 3, 7, 3 and 11, ओके, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम दोनों ही यू नो दिमाग से काम करेंगे,
बुद्धिमानी से चलेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो है ओवरऑल लाइफ में मुझे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं ऐसा लग रहा है। अब या तो अगर ये इंसान किसी और से मैरिड हैं तो ये मे बी अपनी शादी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी, थोड़े से कन्फ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रही चीज़ों को, थोड़े से कन्फ्यूज दिख रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करें या फिर आप पे फोकस करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। जो कि चाहते हैं ये कि ये अपनी ओवरऑल लाइफ को स्टेबल करें, ठीक है। कुछ लोगों की शादी भी तय होती मुझे दिख रही है, या फिर कुछ लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे ये इंसान आपसे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, अभी फीलिंग्स इनके डिटैचमेंट वाले, ये आपसे डिटैच हो रहे हैं, जान मुझ के आपसे दूर हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में इनके कुछ चेंज है, ठीक है। ये इंसान आपसे थोड़ा सा डिटैच होंगे इस टाइम पे, थोड़ा सा ये इंसान चेंज चाहते हैं सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन चल रही है ना उसमें एक चेंज चाहेंगे और आपसे थोड़ा सा डिटैच होंगे, मुझे ये लग रहा है। आपकी एनर्जी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं और एक बहुत अच्छी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और आप भी उनको वैसे ही देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में देख रहे हो, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है ना और आपकी जो पॉजिटिविटीज़ है वो मैच नहीं कर रही है। इनको पता है कि ये आपको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है, और ये इंसान जो है ना आपसे डिटैच्ड होना या फिर आपसे कनेक्ट करना, फिर आपसे अलग होना, फिर आपसे मिलना, तो इनको पता है कि इनके अंदर की नेगेटिविटीज़ ही इस रिश्ते को ख़राब कर रही है और आपको डैमेज कर रही है। आपको ये बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको, हाँ, ये इंसान थोड़ी सी नेगेटिविटी इनके अंदर है और ये इंसान आपको चेस करेंगे इस टाइम पे, या तो चेस कर करके थक रहे हैं, या फिर ये इंसान अपने अंदर की नेगेटिविटी से थक रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं जिस पे इनका इस टाइम फोकस रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, मतलब या तो थर्ड पार्टी या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा कुछ है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। आउटकम में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते तो हैं, अब ये न्यू बिगनिंग मुझे फिर भी लग रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लेंगे, अभी आपसे थोड़ा डिटैच्ड होंगे, इंसान अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस टाइम पे, फाइनेंस को कैसे ग्रो करना है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी आएगी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा इनका, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल इनका हार्ट ब्रेक है, मतलब दिल टूटा हुआ है, पेन है, ठीक है, और थोड़ा सा ये इंसान अपने आपको हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा चेज करोगे इनको, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते दिख रहे हो, क्या कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी बहुत है आपके अंदर। अच्छा, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि आप इनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानना नहीं चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या है, इनसे क्यों मिले हो आप। स्पिरिचुअल सीकिंग आपको इस टाइम ज़्यादा रहेगी, स्पिरिचुअलिटी को आप इस टाइम पे एम्ब्रेस करना चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में है, कर्म, लाइफ, डेथ, यू नो, पास्ट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलेंगी इस टाइम पे, और आप स्पिरिचुअल सीकर होंगे इस टाइम पे, आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने की इच्छा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस इंसान को या तो आपने ब्लॉक किया है, या तो आप इस टाइम ब्लॉक करोगे अपने पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर आप कम बात करोगे, अपने आप को गार्ड करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अपने आप को गार्ड करोगे, आप ज़्यादा रिस्क लेने से डरोगे इस रिश्ते में, इसलिए या तो आप ब्लॉक करेंगे इस इंसान को, या फिर आप अपने खुद को गार्ड करोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, और अगर नहीं भी ब्लॉक कर रहे हो आप, फिर भी अपनी फीलिंग को ब्लॉक कर रहे हो आप एक्सप्रेस करने से, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को कट ऑफ करते दिख रहे हैं इस टाइम पे, दोनों ही उलझे हैं और दोनों ही एक दूसरे को कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप उनसे दूर जाओगे, वो आपसे दूर जाएंगे, ऐसी एनर्जी, बहुत सिमिलर सी एनर्जी है आप दोनों की, जहाँ आप दोनों के इंटेंशन में एक दूसरे से दूर जाना है, ठीक है। तो वो गाना है ना, तुमसे जुदा होकर हमें दूर जाना है, कुछ ऐसी मजबूरी है किसी के लाइफ में, और मुझे कुछ लोग जानबूझ के एक दूसरे से दूर होते दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में आप उनसे प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप वो भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपके साथ, आप भी प्रैक्टिकल हो रहे हो उनके साथ, ऐसी एनर्जी है। आप भी इनको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में देख रहे हो, जहाँ पे यू नो दोनों को ऐसा लगता है कि दूसरे की डेस्टिनी है हम, और हमारा मिलना तय था, जो भी हुआ आप दोनों ग्रो किए, ऐसे कुछ लोगों की मेंटालिटी दिख रही है मुझे, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया, अच्छा हुआ आप बहुत ग्रो किए, उनको भी वैसे ही लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में गए, अच्छा हुआ आप बहुत ग्रो किए, ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है ना कि बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, बहुत जल्दी ही आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, एक्शन नहीं लेते हो, जो कि यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ओके। या तो अपने कंफर्ट जोन में रहना सेपरेशन के बाद, एक्शन नहीं लेना, या फिर यू नो
या फिर एकदम से इम्पेशेंट एक्शन लेना, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, वो चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे इस टाइम के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप इस टाइम चुप रहोगे, शांत रहोगे, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने पार्टनर को आप। मुझे लगता है कि आप चाहते ही नहीं हो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और इस टाइम बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए आप देखोगे अपने पार्टनर को, ठीक है। कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, इस इंसान ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, आपकी ऐसी माइंडसेट इस टाइम पे रहेगी। तो मुझे ये इंसान इस टाइम पे आपके टुवर्ड्स एक्शन वगैरह लेते नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़े से डिटैच्ड होंगे आपसे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, और आप भी डिटैच्ड होंगे इनसे मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है इस टाइम आपके लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1st August to 15th August। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स है। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 5, 8, 7, 12, यस मुझे ये दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हाँ, तो लवर्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी सक्सेसफुली जीना चाहते हैं, मतलब सारी खुशियों के साथ, ऐसी एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो एक यू नो आपने सरेंडर किया है, आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, आपने सरेंडर किया है इस रिश्ते को, आपकी किस्मत में अगर होगा तो होगा, वैसी वाली की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से आप मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में लीड करना चाहते हैं या फिर आप मैरिज चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। हाँ, इंटेंशन इनके एकदम से या इम्पेशेंटली आपको प्रपोज करना, मैरिज का प्रपोजल देना या कोई स्टेबिलिटी का प्रपोजल देना, ऐसी इनकी इंटेंशन है, ओके। और आपकी भी इंटेंशन ऐसे ही है, आप बात करना चाहते हो लेकिन आप स्टक हो, आपको खुद से एफर्ट नहीं लेना है, ऐसी एनर्जी में आप हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान के टूवर्ड्स एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ कि आप स्पीड एक ग्रोथ चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, फ़ोन पे बात करना, कॉल करना, मैसेज करना चाहते हो, लेकिन आप स्टक दिख रहे हैं मुझे। ये आपको ऐसा देख रहे ना जैसे कि आप या तो बिजनेस वुमेन हैं या तो बिजनेसमैन हैं या फाइनेंशियली आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। सो ये आपको सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि ओके, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बिजनेस वुमेन हैं, जॉब करते हैं अगर आप, और बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो या तो ऐसा हो सकता है कि ये इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली जितने कि आप हैं, सो ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि यू नो थोड़ा सा स्टेटस का अप डाउन जैसे इनको लग रहा है। हाँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद में भी आप बैलेंस कर पाओगे या नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। हाँ, या फिर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, मतलब इतने स्ट्रांग अगर आप होंगे तो आपको ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। और आपकी ऑब्स्टिकल ये है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा जो आप कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। और आपके लिए ये ऑब्स्टिकल है, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर कुछ और करना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। सो इस इंसान के तरफ से एक प्रपोजल आता जरूर दिख रहा है इस टाइम पे, प्रपोजल दोनों ही सेम एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप उनको प्रपोज करोगे और वो आपको प्रपोज करेंगे एक साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक साथ प्रपोजल, एक न्यू बिगनिंग होती दिख रही है मुझे इस रिश्ते की, एक नई कहानी शुरू होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, और इस टाइम कोई प्रपोजल मिल सकता है आपको अपने क्रश से, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज गाइड
मेरे मकर राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होंगे इस टाइम पे, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। 1st August to 15th August में मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। ऑब्स्टिकल्स, मैसेज, पर्सनल पावर, फोकस, यिन यांग एंड रिफ्लेक्शन। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 18, 5, 7, 28, 40, 4 and 40, मतलब 4, ठीक है, 4, 4 and 29। सो ओवरऑल लाइफ में यहाँ माउंटेन्स की एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल्स, कोई भी काम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इस टाइम पे। थोड़ी चीज़ें रुक रुक कर होंगी, बाधाएं आएंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे एक झटके में काम, जैसे होता ना कि हमने कुछ अप्लाई किया और एकदम से हो गया, वैसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ओवरऑल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज। कहीं आप मल्टीटास्किंग कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर यू नो फाइनेंस को कैसे ग्रो करना है उसके लिए आप कुछ एक्शंस लेंगे, और थोड़े से ऑब्स्टिकल्स इस टाइम रहेंगे। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं और यू नो मैनी वेज, मतलब बहुत सारे रास्ते खोज रहे हैं इनकम के, जैसे जॉब के साथ बिजनेस करना या फिर कुछ और करना, अगर ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, इसलिए आप घबराओगे, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है ना कि हमेशा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मेरे साथ ही होता है, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशन दे, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन दे। एक थॉट से ही आपकी रियलिटी बनती है, सो थॉट को क्लियर करें अपने। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कट, क्लियर, डिलीट बोलें और उसके ऊपर पॉजिटिव एफर्मेशन दे, ताकि वो एनर्जी आपके साथ काम कर सके, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ आप किसी फाइनेंशियल गेन का वेट करते भी दिख रहे हो। फाइनेंशियल गेन मतलब कुछ आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने हैं या जो रिटर्न्स मिलने हैं आपको, आप उसके लिए वेट करते दिख रहे हो। यहाँ भी मुझे पेपर वर्क और इस तरह की कुछ चीज़ें में आपकी रुकावटें हो सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पैसा मिलना है जहाँ से, वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा, एकदम से आपको पैसा हाथ में नहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। फाइनेंशियल जो भी आप फाइनेंस के लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर रिटायरमेंट के कुछ पैसे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं और पेपर वर्क वगैरह में आपको टाइम लग रहा है, या फिर कुछ रुकावटें आ रही हैं जो कि हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, मैसेज की एनर्जी यहाँ पे है आपके करियर में, मुझे लग रहा है इस टाइम मकर राशि वालों को जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब तलाश कर रहे थे तो जॉब मिल सकती है आपको, या फिर कुछ अच्छा मैसेज आ सकता है, यू नो प्रमोशन का, या फिर बाहर जाने का, कुछ यू नो एब्रॉड सेटल होने का, वीज़ा क्लियर हो गया, ऐसा कुछ। कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके करियर में। जहाँ फाइट तो कर रहे थे, फाइट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को उस लेवल में पहुँचाने की, और किसी पोजीशन के लिए अगर आप फाइट कर रहे थे तो इस टाइम वो पोजीशन आपको मिलती हुई दिख रही है, और यू नो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ ग्रोथ दिख रही है आपके करियर में बेसिकली। सो जॉब अगर करते हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक ग्रोथ देख सकते हैं आप इस टाइम पे अपने बिजनेस में। अगर कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो इस टाइम प्रॉफिट हो सकते हैं आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको कोई हेल्प भी करता दिख रहा है, मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो कलीग्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस टाइम पे, और यू नो टीम वर्क के साथ आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी आपके करियर में दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर्सनल पावर की एनर्जी है, तो मैम प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ पर्सनल पावर? किसी को प्रपोज करना चाहते हैं आप तो आपको हिम्मत चाहिए। कोई क्रश है, अगर उनको प्रपोज करना चाहते हैं और करने की हिम्मत नहीं है तो आप हिम्मत मांग रहे हो, ऐसा लग रहा है, और इस टाइम आपको प्रपोजल मिलता दिख रहा है, ठीक है। पावर में आते दिख रहे हो। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस टाइम प्रपोज करोगे आप। अगर आप
किसी से प्रपोजल चाहते थे तो वो प्रपोजल आपको मिलेगा। खुशियाँ चाह रहे थे, हस्बैंड वाइफ अगर हैं और खुशियाँ चाह रहे थे, चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे थे, तो इस टाइम बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। करंट पार्टनर के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं, एक्स पार्टनर इस टाइम कोई प्रपोजल के साथ आ सकते हैं। सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई इस टाइम इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पर आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रहा है जिससे कि अंदर एक यू नो स्ट्रांग हो रहा है अंदर से आप, और एक पावर आ रही है आपके अंदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके हेल्थ में फोकस की एनर्जी है, तो इस टाइम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में अपने हेल्थ को रखें। पास्ट में कुछ अगर प्रॉब्लम थी या फिर पास्ट से ही आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो इस टाइम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखें। ठीक है, मेनोपॉज जैसे कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है अगर फीमेल्स को, या फिर गायनिक प्रॉब्लम कुछ है और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इस टाइम डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इस टाइम मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, चेकअप ज़रूर करवाएं अपनी। मुझे हैवी ब्लीडिंग दिख रही है कुछ लोगों की यहाँ पे, और कुछ लोगों का मुझे प्रेशर हाई या लो होता दिख रहा है, बीपी का हाई होना या लो होना। ठीक है, इसमें ये दिख रहा है, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में पेन, कैल्शियम की कमी, ये सब दिख रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा सा अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या है, बैलेंस है यहाँ ऑब्स्टिकल। इस टाइम पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश तो आप करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लगेगा कि हो नहीं रहा है, जितना कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। ओके, सो एक क्लियरिटी भी आप चाहोगे जो कि आपको नहीं मिलेगी इस टाइम पे। स्टेबिलिटी चाहोगे, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा लगेगा जैसे कि स्टेबिलिटी नहीं है यार, बहुत कुछ करने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बहुत कुछ करने के बाद भी क्लियरिटी नहीं मिल रही कि कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर थोड़ा सा बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफ को कैसे स्टेबल करें इसको लेकर थोड़ा सा उलझ सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे कोशिश करोगे तो हो जाएगा। माइंडसेट का, यहाँ पे मैंने बोला ना माइंडसेट, अपने आप को विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं देख के जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहें और पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, जिससे कि आपके थॉट्स चेंज हो सके। थॉट्स ही आपकी रियलिटी होती है, इसलिए थॉट्स चेंज करने की जरूरत इस टाइम पड़ेगी मकर राशि वालों को। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, मिरर वैन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज, मिरर क्यों है डिवाइनिया, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है, एक पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है मुझे लव रिलेशनशिप में, मिरर वाली एनर्जी है ये। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस टाइम में आप उनके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं अगर सेपरेशन में थे तो, और अगर आप रिकनेक्टेड ही हैं तो इस टाइम पे मिरर करोगे आप दोनों एक दूसरे को, आपके नेगेटिविटीज़ को वो इंसान मिरर कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान हमेशा मुझे ट्रिगर करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच इस टाइम बहुत अच्छी रोमांस और बहुत अच्छे इमोशंस रहेंगे, इक्वल लव होगा, पैशन होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इसको लेकर थोड़ा सा आप उलझोगे, उलझोगे मतलब माई गुडनेस, डेस्टिनी की एनर्जी आपके ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, डेस्टिनी की एनर्जी। सो जो डेस्टिनी में होगा इस टाइम ज़रूर मिलेगा मेरे मकर राशि वालों को, लेकिन आप किसी चीज़ को लेके उलझ रहे हैं जहाँ पे आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, जहाँ बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने की और चीज़ों को बैलेंस करने की, जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको लेके इस टाइम ओवरथिंक आप कर सकते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे बैलेंस आता दिख रहा है, पैशन आता दिख रहा है, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं इस टाइम पर, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, कुछ गाइडेंस हम देखेंगे, प्लीज़ गाइड फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स डिवाइन, गाइडेंस फॉर माय कैप्रिकॉर्न। वन मोर टाइम प्लीज, द वे फॉरवर्ड इज ओपन, You are not trapped, possibilities and opportunities abound. I will guide you to the personal and spiritual freedom. Divine ये कह रहे हैं आपको कि आप trapped नहीं हुए, अगर आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, Divine ये कह रहे हैं कि आप trapped नहीं हैं, possibilities and opportunities जो है वो हैं, वो आपको guide करेंगे, बस आपको उनके guidance पे चलना है। ठीक है, Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. Divine ये कह रहे हैं ना कि आपकी choice, जो आपने चॉइस बनाई है अपने लिए, खुद के लिए, वो बिल्कुल सही है, आपकी इनर वॉइस को सुन के आपने जो चॉइस अपने बनाई है वो सही है, बस आगे बढ़ते जाइए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए डिवाइन मेरे मकर राशि वालों को इस टाइम पे, क्या करना चाहिए मेरे मकर राशि वालों को, वन
वन मोर टाइम प्लीज। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन, इंटीमेसी, ऑनेस्टी। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, जो जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट करें और एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी है यहाँ पे। शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी भी है, जहाँ पे आप फाइनेंशियल अबंडेंस फील कर सकते हैं इस टाइम पे, रिसीव कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे लग रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। कुछ भी गाइडेंस वीडियो से मिली है तो लाइक करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए। एटलीस्ट चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर बार बार आ रहे हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने हमारी सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।